तो कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, सब लोग खुशहाल हैं इस प्रदेश में। कहाँ खुशहाल दिख रहे हैं, आदेश ज्यादा पब्लिक से पूछिए ना जो काम कर रहा है प्रत्येक दिन। यहाँ कितने बेरोजगार घूम रहे, आप यहाँ लेबर चौक चले जाइए बगल में ही, मगर यहाँ तो कंपनियाँ नहीं बढ़ा के देती ना आदेश ज्यादा। कंपनी कोई कोई कंपनी तो अभी भी 7,000-6,000 रुपये सैलरी दे रही है, बहुत कंपनियाँ ऐसी है। लेकिन यहाँ वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि जो जिस योग्य है, जो जितना पढ़ा लिखा है उस हिसाब से पेमेंट आज भी मिल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सी कंपनियाँ, एक एक कंपनी में 7-7 कंपनियाँ चल रही है। ये कह रहा हूँ 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर परिवर्तन होगा? हमें तो कोई भी चाहिए, मगर है ना यूपी के अंदर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि है ना सैलरी तो बढ़ रही नहीं है लोगों की, है ना ऊपर से तो खैर बढ़ जाती है, मगर यहाँ का रूम रेंट इतना है कौन भरेगा। 3,500-3,000-9,000 रुपये हम लोग कमाते हैं, उसमें से 3,500-3,000 रुपये भर ही देते हैं, 4,000-5,000 रुपये बिजली बिल लगा के 6,000-7,000 रुपये हो ही जाता है, और बाकी सारे किराए में चले जाते हैं, खाना खर्चा यहीं सब पूरा हो जाता है। हम गांव छोड़ के यहां पे कमाने के लिए क्यों आए हैं फिर? लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, सब लोग खुशहाल हैं इस प्रदेश में। कहां खुशहाल दिख रहे हैं, आदेश ज़्यादा पब्लिक से पूछिए ना जो काम कर रहा है प्रत्येक दिन। यहां कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, आप यहां लेबर चौक चले जाइए बगल में ही है सेक्टर 58 में, वहां जाकर देखिए लोग कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी को नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो सैलरी हिसाब से नहीं मिल रही है, आधा महीना जाते जाते पूरा पैसा खत्म हो जाता है, आदमी कहाँ से क्या करे। लेकिन ये तो सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या रोजगार है कहाँ? अगर है भी तो पैसा तो उस हिसाब से नहीं मिल रहा ना हमें, हम यूपी में आए कमाने के लिए सब कुछ। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए अब की बार जो कि हमारा सब दुख दर्द समझे। तो क्या मोदी जी दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं, मगर टाइट नहीं ना कर रखा है, वो तो बढ़वा देते हैं ऊपर से, मगर यहाँ तो कंपनियाँ नहीं बढ़ा के देती ना आदेश ज़्यादा। कंपनी कोई कोई कंपनी तो अभी भी 7,000-6,000 रुपये सैलरी दे रही है, बहुत कंपनियाँ ऐसी है। लेकिन यहाँ वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि जो जिस योग्य है, जो जितना पढ़ा लिखा है उस हिसाब से पेमेंट आज भी मिल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सी कंपनियाँ, एक एक कंपनी में 7-7 कंपनियाँ चल रही है। अब बोलती है मेरा खुद अभी मैंने 10 दिन नौकरी किया था, 10 दिन बाद मेरे को निकाल दिया कंपनी ने, एक छुट्टी हो गई थी इसके वजह से, 2 दिन की मात्र सैलरी दी, 6 दिन की सैलरी नहीं दी, तो बताइए ऐसे होता है? तो क्या देख रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल 9 सालों का बेकार रहा? नहीं कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छा लगा है प्रदूषण के लिए, मगर यहाँ पानी नहीं है आदमी के लिए पीने के लिए, नमकीन पानी है, पानी पे भी तो थोड़ा। अच्छा ये जो है राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे को वो पसंद भी नहीं है और वो आने भी नहीं चाहिए। हाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी मोदी जी। हाँ मोदी जी, महंगाई है बेरोजगारी है, मगर यो मोदी जी ने तो टाइट कर रखा है, मगर कंट्रोल करा है, मगर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, मगर अपने जो भी हैं उनको टाइट करें तब उसके हिसाब से यहाँ होगा ना। अच्छा और कोई समस्या? और ये तो कहा जा रहा है कि मोदी जी का कार्यकाल सही रहा, फिर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे? बन सकते हैं, मगर एक बार योगी जी को भी आना चाहिए यूपी के अंदर। तो यूपी के अंदर तो योगी जी आइए हैं। हाँ प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा केंद्र में। हाँ अच्छा, और किसी ठीक है।